मैं पिछले 21 दिनों में स्टार गोल्ड से लेके जी सिनेमा तक की सारी मूवीज देखने के बाद बोर हो चुका था। YouTube पे भी सब कुछ देखने के बाद बस अब यही देखना बचा था, लाइफ बॉय साबुन की अनबॉक्सिंग या फिर लक्स कोजी चड्डी कैसे पहने। क्या ही बकवास है। मैं पिछले 21 दिन 540 घंटे या फिर यूं कह लीजिए 30,240 मिनट से अपने घर से बाहर नहीं निकला। क्या लगा, मुझे डर लगता है? जी हाँ, मुझे डर लगता है अपनी उन बेफिजूल की जरूरतों से जिनका अभी पूरा होना जरूरी नहीं। लेकिन रोज रोज दालें खा के परेशान हो चुका था, तो सोचा कुछ बाहर से सामान लेके आता हूँ। फ्रिज भी खाली हो चुका था और हरी मिर्च ने अपने तेवर बदल के लाल कर लिए थे। कई दिनों से अपनी प्यारी बाइक को हाथ नहीं लगाया था, तो सोचा सामान बाइक से ले गया था। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे दांत से निकला, मेरा मुंह देख इरादा बदल दिया। डर इतना था कि मैंने रोड पे पहुंच के पहले लेफ्ट देखा फिर राइट, रास्ता साफ है। दुकान में पहुंच के मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ लेने के लिए बहुत कुछ है। सांस फूल गई, भाग कर जो आया हूँ। लेकिन मेरे मतलब की चीज राइस है, क्योंकि मुझे बनाना ही यही आता है। तो एक पैकेट राइस और एक पैकेट हैंड सैनिटाइजर, इसे कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। वेट वेट वेट, यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई, यहाँ नहीं यहाँ। दिखने में भले ही गरीब था पर मानो दिल का बहुत गरीब, जिससे पूछे गए मेरे कुछ चंद सवाल और उसके द्वारा दिए गए उन जवाबों के कुछ इस तरीके के जवाब जो सुनने में आपको शायद ही बड़े अटपटे से लगे, पर ये सच था। जब मैंने उसे पूछा कि क्या आप अभी भरपेट खाना खा पा रहे हैं, तो उसने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि पहले मैं दो वक्त की रोटी खा लिया करता था, अब एक वक्त की खा पाना मुश्किल है। सोते तो हम पहले भी आधा पेट थे, अब वो आधा पेट भर पाना मुश्किल है। यहाँ मुझे किसी की कही वो बात याद आई, कोई सारी रात रोता रहा दो निवालों की खातिर और कोई बची खुची रोटियों को कूड़े में पटक कर सो गया। मेरा दूसरा सवाल जो उससे था वो ये था कि क्या इस वक्त आपको राशन मिल पा रहा है, क्या राशन मुहैया हो पा रहा है आपको? उसने जवाब दिया कि पहले मैं 200 रुपए कमाता था फिर भी राशन उधार ले आता था, आज आलम कुछ ऐसा है कि उधार कोई ना देता है, फिर भी हाथ जोड़ के एक गुजारिश कर लिया करते हैं, एक वक्त का राशन दे दो, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में बच्चे भूखे। जब नजर पड़ी मेरी उसके बच्चे पे तो याद आया, काश मैंने उस खाने को स्टेटस पे लगाया ना होता, चंद तारीफें सुनने के खातिर उसे सजाया ना होता। भूख तो कहने को बस मुट्ठी भर थी मुझे, उसे बनाकर पनारे में बहाया ना होता। तीसरा सवाल जो मेरा उससे था वो ये था कि आपने मास्क नहीं पहना है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि आपने मास्क नहीं लगाया? जिस बस्ती से आप रुमाल बांध के निकले थे वो बस्ती हमारा ठिकाना था, जहाँ एक पल भी रुकना आपका मुश्किल था वहाँ पूरा साल हमें बिताना था। वो कहना चाहता था कि इन मुखौटों की ज़रूरत उन्हें बहुत पहले से थी। खैर, मेरे पास पड़े वो चंद 200 रुपए शायद उसके लिए इतने मददगार साबित ना हो, मगर उस समय उसके चेहरे की बनावट बदलने के लिए काफी थे। मेरे फ्रिज का पेट खाली रह गया, लेकिन कोई नहीं, हरी मिर्च ले आया हूँ और आज दाल नहीं करी बनाएंगे। गूगल हाउ टू मेक करी। Here are some recipes I found.